बहुत अच्छी पिक लेते हैं, तो यार भाई मेरे यार मेरे दोस्त गुड मॉर्निंग। वापस से मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो दैट आप सब लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, खुश होंगे और अपने काम पे व्यस्त होंगे। तो भाई जहां पे मैं हूं शादी पे दीदी का, उनका आज है बारात। हेलो, हम सब बहने हैं, शादी कंप्लीट हो चुकी है, अब सब नहाने की तैयारी कर रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, उसके बाद रेडी होंगे, फिर अब मिलते हैं रेडी होने के बाद। और ये भैया जो हैं वो बहुत अच्छी पिक लेते हैं, शेयर भी करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई, मंडप बनके कुछ ऐसा डांस करते हैं सब। तो भाई शादी का दिन है आज और अभी बारात आने वाली है। शायद मेरे को लगता है बारात निकल गया ना वहाँ से, सुबह ही निकल गया, बारात सुबह निकल गया और दीदी का हल्दी भी ख़त्म हो गया। अब जा रहे हैं नहाने, इसका रेडी होंगे, इसका दिन का रेडी होने, हाँ ये सब जा रहे हैं और मिलते हैं शाम को रेडी होने, रेडी होने के बाद लुक के साथ। ठीक है ठीक, ओके तो चलो मिलते हैं शाम को बारात। तो भाई हल्दी वल्दी काम तो ख़त्म हो गया, आप जल्दी से सब रेडी हो रहे हैं फटाफट, इसके बाद बारात के करेंगे तैयारी क्योंकि बारात आने में कुछ ही घंटे बाकी है। यार बारात को लेके सब लोग एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि बारात होता ही है यार एक्साइटमेंट वाली। लोग यार सब लोग बहुत ज़ोर शोर से बिजी हैं अपने अपने काम पे, और सब लोग अपने अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं ताकि जल्दी से बारात का स्वागत किया जा सके। और मैं खा रहा हूँ खट्टा, खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन टेस्ट करके मैं खा ले रहा हूँ। तो भाई ये रहा दीदी का लहंगा, दीदी का चूड़ी और एक इनको क्या बोलते हैं, हाँ और ये रही दीदी। तो जा रहे हैं अभी रेडी होने। तो भाई दुल्हन जी यहाँ पे हैं और उनका सारा मेकअप का सामान यहाँ पे है और ये फटाफट जा रहे हैं रेडी होने क्योंकि बारात पहुँचने को है और सब खुश लग रहे हैं यार। हाँ सब बारात की तैयारी कर रहे हैं और अभी दीदी ऐसे दिख रही हैं, अभी रेडी होने के बाद देखना आप लोग सुपर हिट। यार दीदी अभी तैयार नहीं हुई, इतना क्यूट लग रहे हैं, जब तैयार हो जाएंगे तो कितना क्यूट लगेंगे, है ना, देखते हैं रेडी होने के बाद। क्यूट लगोगे आप। तो भाई रेडी होने के बाद मिलवाता हूँ मैं दीदी से आप लोग को। तो भाई ऐसा कुछ दिख रहा है यार टेंट सजने के बाद, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ पे सब खा पी रहे हैं, खाना पीना चालू हो गया, बारात अभी आया नहीं। तो भाई मेरे पीछे स्टेज देख रहे हो, चकाचक डेकोरेट हो गया है, सब रेडी भी हो गए हैं और दुल्हन दीदी रेडी हो रही है, अभी हम लोग कर रहे हैं बस इंतज़ार। और बारात बहुत नज़दीक पहुँच गया है, लगभग एक घंटे में बारात दरवाजे पे, तो करेंगे जयमाला काम और द्वार पूजा, इसके बाद फिर शादी का काम, उसके बाद ख़त्म। काफ़ी सारे मेहमान लोग का आना जाना लगा है। तो भाई दीदी तैयार हो गई हैं और कुछ ऐसी दिख रही हैं, देखो कितना प्यारी लग रही है, लहंगा देखो उनका और हाथ में इसको क्या बोलते हैं, कलीदे, क्या कलीदे, कलीदे कलीदे एकदम जबर, कलीदे कलीदे रे कलीदे, हाँ कलीदे मस्त सूट किया है और कितना प्यारी लग रही हैं। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 4 और अभी अभी हम लोग का जयमाला हुआ है ख़त्म और देखो दीदी जीजा कितना क्यूट लग रहे हैं दोनों, ये देखो भाई। तो आज की जयमाला आपके लिए तो पता नहीं अच्छा रहा कि नहीं, लेकिन हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि क्योंकि 4 बज गया पता है, वो तो पीछे पीछे सब काम करते करते, तो कोई नहीं तो चलते हैं, है ना। जीजा भी बोल रहे हैं अच्छा लगा, तो चलते हैं मंडप की जगह पर, वहाँ पर करते हैं शादी का काम, चलिए चलते हैं। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 4, तो यार सुबह के बज रहे हैं 4 और फोटोग्राफी बहुत
जोड़ तोड़ से हुआ। चाचा खुश हो ना फोटोग्राफी में, हैं? ठीक है ना? शादी में तो ये सब होते रहता है। यार सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी जस्ट हमने शादी के काम ख़त्म करके रेस्ट ले रहे हैं। तो यार हमें एक अनोखी शादी देखने को मिली, मुड़वाना समाज की शादी, जो कि सबसे अलग सबसे यूनिक शादी था। यार मैं कितना अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसे शादी में शामिल होने का मौका मिला। बहुत ही अनोखा शादी है यार। सच बताऊँ तो पहली बार मैं ऐसा शादी अटेंड कर रहा हूँ जो कि ऐसे रस्मों रिवाज के साथ शादी होता है। शादी बिल्कुल 1-2 घंटे में ख़त्म हो गई। सबसे मज़ेदार बात है कि दूल्हा दुल्हन का जो मुकुट था ना, जो सर पे पहनते हैं, वो मेरे को लगता है बांस बेम्बू से बना हुआ था। बहुत यूनिक लग रहा था यार, बहुत मस्त लग रहा था। पता नहीं कौन डिज़ाइन किया था, लेकिन लड़के तरफ से आया था वो, तो बहुत यूनिक लग रहा था, अच्छा दिख रहा था। तो फिलहाल हम लोग अभी कर रहे हैं वेट, क्योंकि अभी जल्द ही विदाई होने वाला है। विदाई का काम ख़त्म करने के बाद हम लोग जाएंगे घर। विदाई देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोग को अगर पॉसिबल हो पाया तो। तो यार मस्त विदाई विदाई का कार्यक्रम ख़त्म हो गया। मैं विदाई की वीडियो इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि सब लोग रो रहे थे ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार, इसलिए मैं नहीं शूट किया। तो विदाई विदाई ख़त्म हो गया, हमने खाना वाना सब खा लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं घर। तो अपना बैग वैग हमने सब पैक करके रेडी कर लिया है, और ये हमारे एक लकी भाई। अब चलते हैं अपन वापस घर। तो यार दीदी ने हम दोनों के लिए बड़े प्यार से मिठाई संजो के रख दिए हैं, बोले ले जाओ घर घर के लिए। तो थैंक यू दीदी। इसको बोलते हैं शादी के लड्डू, लेकिन उसमें लड्डू नहीं है, उसमें गुलाब जामुन और कुछ कुछ मिठाई है। हम लोग अभी जा रहे हैं मेन रोड, वहीं से अपन बस पकड़ेंगे। तो लक्की भाई आ रहा है, वही अपन को छोड़ेगा स्कूटी से। तो देखो मेरे पीछे एक बैग, दो बैग, इधर किनारे में। बहुत धूप हो रखा है यार आज, है ना यार लकी? मैंने अपना सेफ्टी लगा लिया है भाई। तो यार मस्त अपन पहुंच गए मेन रोड, अब यहाँ से ले लेंगे अपन बस भाई, बस अपन बस चढ़ के जाएंगे घर। तो यार ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। होप सो दैट ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मज़ा आ गया यार, ठंडा ठंडा कूल कूल, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार आज तो।